तो आज के इस वीडियो में जानेंगे वन स्टैंजा वाला पोम फॉग हमें क्या बताते हैं, चलिए आइए जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। सो बट बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वॉचिंग योर प्रीसियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The poem Fog is written by Carl Sandburg. It explores the idea of fog as a mysterious and transformative force. So, ये कविता Carl Sandburg द्वारा लिखा गया है और ये कविता एक mysterious और transformative force का मतलब जो ऐसा force जो बदल सकता है, इस चीज़ के idea के बारे में बताते हैं। It suggests that fog can obscure our surrounding, making things unclear and uncertain. ये कविता सुझाव करते हैं कि फॉग जो है हमारी सराउंडिंग्स को ऑब्स्क्योर कर सकता है। ऑब्स्क्योर का मतलब कंसील करना, कंसील मीन हाइड करना, मेकिंग थिंग्स अनक्लियर, चीज़ों को अनक्लियर बना के और अनसर्टेन बना के। अनसर्टेन मीन्स जो चीज़ निश्चित नहीं है। At the same time, the poet highlights the beauty and intrigue of fog, suggesting that it can also reveal new perspectives and create a sense of wonder. At the same time, poet hame fog ki beauty aur intrigue means fascination ya ek attraction ke bare mein highlight karte hain, batate hain, aur hame poet ek cheez ko sujhav karte hain ki fog jo hai, fog ek nayi perspective ka matlab ek nayi nazariya ko prakat kar sakte hain, reveal kar sakte hain, and fog has power of creating a sense of wonder. Means fog के पास एक ऐसी पावर है, अद्भुत चीजों का सेंस हमें क्रिएट कर सकता है। By using fog as a metaphor, the poet encourages readers to reflect on the complexities and uncertainties of life and to appreciate the beauty and magic in the unknown. Fog को as a metaphor के रूप में use करके poet readers को encourage करते हैं life में जो भी complexities रहता है और uncertainties का मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है life में, uncertain होता है, इस चीज़ों के ऊपर हमें एक तरीके से झांकने के लिए encourage करते हैं poet। सुंदरता को appreciate करने के लिए भी एनकरेज करते हैं और मैजिक इन द अननोन का मतलब जो चीज़ हमारी नज़र में अननोन है, उस चीज़ के मैजिक के बारे में भी झांकने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए पोएट हमें एनकरेज करते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट वीडियो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो।